बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने सोशियोलॉजी 101 के क्विज़ नंबर 2 को जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसका मैं आपको बता दूं कि अगर आपने लेक्चर सुने तो बड़ी अच्छी बात है, अगर आपने नहीं सुने तो उन लेक्चर्स को सुन लीजिएगा। मैंने भी शॉर्ट लेक्चर अपलोड किए हैं, उनमें से बड़े क्वेश्चन आ भी जाते हैं, तो मैं आपको बताता जाऊँगा कि कौन कौन से मैंने हाईलाइट वहाँ पर किए हुए थे। ठीक है, तो अभी हम पहले नंबर जो है ना इसका स्टार्ट करते हैं, क्विज नंबर 1 सोशियोलॉजी 101। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, डेवियंस डिवेल्प वी फीलिंग अमंग द ग्रुप मेंबर, इट इंडिकेट विच द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द डेवियंस। इसमें क्या होता है, वी होता है, ये होता है प्रमोट सोशल चेंज, सोशल यूनिटी है ना, बिकॉज यूनिटी जो है वो भी जो है किसको करती है, यूनिटी, सोशल यूनिटी जो होती हो इसका ये वाला फंक्शन है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारा, एक्चुअली द फॉलोइंग एज अ शेयर्ड एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल दैट गवर्न देयर बिहेवियर्स। शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो क्या होती हैं, बोला शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपकी, नॉर्म होते हैं। ठीक है, शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस हमारे नॉर्म्स हैं कि हम जो है किसी गरीब का माल नहीं खाएंगे। ठीक है, हमारे नॉर्म्स हैं तो इनको बोलते हैं नॉर्म्स। ये हमारी शेयर्ड एक्सपेक्टेशन है कि सारे एक्सपेक्ट करते हैं कि सारे लोग काम करेंगे। अच्छा जी, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम जॉइंट फैमिली सिस्टम टू न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम इज़ एन एग्जांपल ऑफ। न्यूक्लियर फैमिली होती है जिसमें मियाँ और बीवी और बच्चे होते हैं बस, और जॉइंट फैमिली को आपको पता है कि चाचा, मामा, खाला, पप्पो, ये सारे एक जगह पर रहते हैं, तो ये किसको बोलते हैं, कल्चरल चेंज को बोलते हैं। ठीक है, कल्चरल चेंज होता है, ये इसको बोलते हैं, कल्चरल चेंज हो रहा है ना। चले, नेक्स्ट हमारा सवाल है, आर द फॉलोइंग आर डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ लाइफ एक्सेप्ट। लाइफ कोर्स की सारी स्टेजेस होती हैं, एडल्ट, एडोलेसेंस होती है, लड़कपन, एडल्टहुड, जवानी, इनोसेंस नहीं होती, इनोसेंस ये कोई स्टेज नहीं होती। ठीक है, हाइट, वेट, हेयर लॉस एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ हाइट, वेट और हेयर लॉस। ये किस चीज़ की एग्जाम्पल्स हैं, ये हैं नेचर की, ऐसी है। हेयर लॉस नेचर ही है ना हमारी, सोशलाइजेशन तो नहीं हो सकती, इंट्रैक्शन भी नहीं हो सकती, तो इट इज़ नेचर। नेचर होती जो हमें कुदरत ने पैदा किया है, नर्चर वो होती है जो हमारा माशरा हमें बनाता है, जैसे लड़कियों को ये काम दे दिया, लड़कों को ये काम दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पीस, गर्ल्स लिविंग इन चैत्राल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान हैव लो हाइट एज कम्पेयर टू बॉयज ऑफ दैट एरिया। दिस डिफरेंस फिजिकल फीचर इज बोथ जेंडर ड्यू टू नेचर। ठीक है, नेचर ने उनको छोटा बड़ा किया है, इंसानों ने अपने तो नहीं कम कर दिए। ये अगर आपके कॉन्सेप्ट ठीक है ना तो आपको मसला नहीं होगा, मैंने बड़ी कोशिश की थी कि आपके कॉन्सेप्ट बना दूं, अगर आप सुन लेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी जो है ना इनका सारा पता चल जाएगा। इन विच फॉर्म कल्चर सर्व्स टू एक्सप्रेस सेल्फिश डिमांड्स फोर्सिंग पीपल टू लुक बियॉन्ड देम सेल्फ। सेल्फिश डिमांड्स जो होती हैं वो आपकी होती हैं इड के अंदर। ठीक है, आप कहते हैं कि मुझे, आप नहीं कहते, लोग कहते हैं कि मुझे जो है ना यही चीज़ चाहिए, जैसे क्या होता है कि बच्चे कहते हैं मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए, मगर वो होती है इड। ठीक है, मगर ये है कि रिप्रेस सेल्फिश डिमांड्स, हम उनको उनको उन उनको जब हम कहते हैं कि नहीं ये चीज़ आपको नहीं मिल सकती, तो उनको क्या बोलते हैं आप, इनको बोलते हैं आप सुपर ईगो। ठीक है, हमारे कल्चर में जो चीज़ चल रही है वही आपको मिल सकती है, अदरवाइज अच्छा जी, ये हो गया आपका
If some considers others culture superior to his own culture, he is practicing, इसको बोलते हैं एथनोसेंट्रिज्म। ऐसे ही अगर अपने कल्चर को आप करेंगे इन्फीरियर समझेंगे और दूसरे कल्चर को सुपीरियर समझेंगे, अदर्स कल्चर सुपीरियर टू हिज ओन, सॉरी इसको अगर किसी और का कल्चर को आप इन्फीरियर समझ रहे हैं, अपने को सुपीरियर समझ रहे हैं, उसको एथ्नोसेंट्रिज्म बोलते हैं। अगर किसी दूसरे को सुपीरियर समझ रहे हैं और अपने आप को इन्फीरियर समझ रहे हैं तो ये है जीनोसेंट्रिज्म। ठीक है, अच्छा जी। द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डेवियंस, इसका डेवियंस का क्या होता है? प्रमोशल प्रमोट सोशल प्रमोशन कल्चर वैल्यूज एंड नॉर्म नॉट क्लैरिफाइंग द बाउंड्रीज एंड नॉर्म, इसका बोलते हैं आई थिंक नॉट क्लैरिफाइंग सोशल चेंज। Deviance promote social unity. Deviance clarifies deviance from, इसका यही है not clarifying the boundaries and norms, इसका ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन चैरिटी एंड डेवलपमेंट आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये क्या है? ये कौन सी है? ये हमारे है वैल्यूज हैं। ठीक है, हमारी वैल्यूज इकदार हैं कि हमने ये काम करने हैं ये नहीं करने। इस तरह आपका एक क्विज हो गया। आप भी अगर लेक्चर सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी बड़े क्वेश्चन हैं इनमें से पता चल जाएंगे। ठीक है, चले इस तरह हम क्विज एंड करते हैं इंशाल्लाह। कि 10 बटा 10 आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।